कर रही हूँ और गा भी रही हूँ साथ साथ. ये मेरा सपोर्ट है, मेरी डेडिकेशन है फॉर दिस लवली कॉज विच इज़ कॉल्ड बेटी. मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को अपना एक हीरे जैसा समझो. बहुत बहुत वैल्यूबल होती है एक बेटी. तो जो गाना आज मैं गाने जा रही हूँ, मैंने एक ट्रिब्यूट है जो विमेन के लिए बनाया है. I would say that the woman is the present, she was the past and she is the future. मैं ये कहना चाहूँगी. और चार लाइनों में मैं एक और चीज़ बयां करना चाहूँगी. I'm a woman, I'm a girl, this is my story. एक्साइटमेंट भरा मेरा आज है, सर पे खुशियों का ताज है. जब चाहे चले मर्जी मेरी, दुनिया को मुझ पे नाज है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें इस प्रयास के अंदर. लोगों को कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं बस लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, आज के समाज में भी नारी के प्रति एक अजीब सी भावना है. उसे छोटा समझा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है. तो इन सब चीज़ों से दूर रह के उसे बराबरी का हक मिलना चाहिए. जैसा कि
कहता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए अनु रंजन की उतनी कम है, क्योंकि बेटी, स्त्री, लड़की, बच्ची, उसके सम्मान के लिए, उसकी अच्छाई के लिए इतना सुंदर, इतने प्रयास लगातार जो अनु रंजन करती हैं, उसके लिए मैं अनु रंजन को बहुत बधाई देता हूँ, ढेरों तारीफ करता हूँ अनु रंजन की। इट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रूली ट्रूली अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉजेज को फैशनेबल तरीके से करते हैं कि ठीक लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, समाज को अच्छा लगेगा। अनु रंजन बेटी के इस कॉज को पूरे दिल से, पूरी भावना से, पूरी श्रद्धा से करती है, और इसी वजह से अनु रंजन के, शशि रंजन के जितने मित्र हैं वो सब कुछ छोड़कर भागकर यहाँ सपोर्ट करने के लिए आते हैं। मैं चूँकि विदेश में था तो इसलिए मैं आज यहाँ पर इसमें वॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, अपने यहाँ मौजूद होने से इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए। पहली बात तो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो ऐसा शब्द है कि जिससे मुझे एक अलग तरह की आपत्ति है। हम मर्द होते कौन हैं वुमेन को एम्पावरमेंट देने वाले? मेरी नज़रों में, मेरी सोच में वुमेन जो है गुणों में, त्याग में, शक्ति में, यू नो हंड्रेड्स ऑफ क्वालिटीज में हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, एम्पावर्ड हैं। हम तो सिर्फ वुमेन को सैल्यूट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है। मैं जब कभी कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, मैन कांट रियली एम्पावर वुमेन बिकॉज वुमेन देमसेल्व्स आर सो पावरफुल विद द ट्रेमेंडस क्वालिटीज दैट दे हैव, क्वालिटीज ऑफ सेक्रीफाइस, क्वालिटीज ऑफ यू नो गिविंग टू यू नो टू देयर फैमिली, टू देयर लव्ड वंस, टू द सोसाइटी। So I come always to salute women, not to empower women, because I am too weak to be empowering women. Anu ji, ek second yaar. इंतहा खुशी की बात है। मैं ये शशि कपूर साहब को, उनके परिवार को, सभी को ढेरों बधाई देना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो उन्हें नवाजा गया है उसके लिए उन सबको शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट एक ऐसे लेजेंड, एक ऐसे सदाबहार हीरो, एक ऐसे बहुत बढ़िया इंसान को ऐसा सम्मान दिया जाए। थैंक यू। We'll be right back.
थैंक यू। बीवी बेटी ये कॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि इस स्ट्रॉन्ग कॉज से एसोसिएट होना ये एक बहुत ही प्रिविलेज की बात है। आज एक बहुत ही सुंदर फैशन शो हो रहा है, अर्चना कोचर जी की कॉस्ट्यूम्स हम लोगों ने पहने हैं। इस ब्यूटीफुल ड्रेस में मैं बहुत ब्यूटीफुल महसूस कर रही हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक बेटी हूँ। आई थिंक आप सभी को बेटी बचाओ बी विद बेटी इस इनिशिएटिव को जितना हो सके सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। So, thank you so much. I'm sure the audience is here also move. And before we take the show forward, there are a lot of people who made the show possible. And I'd like to thank them for this. And but before I do that, can I call the other eminent woman of the show, Miss Anuranjan, the hottest woman we have in Bombay, Mumbai. Anuranjan Anubhavi, can we please have you on stage? Welcome. These are the girls who are acid victims, and it's the first time that they would walk on stage, they would come in front of all of you. So can we have a huge round of applause welcoming these brave, brave girls, and the foundation, please help them to reach where they are. Reshma and Lalita, please. Reshma and Lalita, aapki zarurat stage pe hai. Hum sab aapse inspire hona chahte hain. हिंदुस्तान के लॉस भी होने की वजह से ये सब होता है और आज दोनों लड़कियां हमारे बीच में है जोरदार तालियां स्वागत कर रहे हैं। To begin with, I want to thank Anu for being so kind. I made a one phone call to her and she sent the check immediately. It is so touching to look at the society. There's one phone call and they are full with money
and they are looking forward to help these victims. India has got the privilege of having the highest number of ASCII attacks in the world. It is not a privilege which I feel proud of it, but it is something which we must as a society look into how we can stop sending the ASCII. For the last almost 40 years, I've been working on these hot cases, and I can share with you, probably I'm not trying to say that the fashion designing or designing a cloth is less complicated, but designing a face of a lady or a man who has been totally destroyed is a much bigger challenge, and to bring a confidence in them that they can come to society and walk on their own is something which is a gift of science. And I'm so thankful that this society is coming. And dressing up so many beautiful women who are backstage right now. Thank you, Anuranjan, to make IOS a part of this for supporting you. Thank you so much. Thanks to everybody. And also, I'd like now for Archana Kochar, who has dressed up all these women in a beautiful garment. Archana. Good evening, everybody. It's a pleasure to be here with Anu and with Kiran and with the Bee Tamanna in the team. I would like to tell you a few words about the collection that you are going to be seeing today on all the lovely women who are going to walk today. This year, Mr. Narendra Modi, our Prime Minister, has come out with the Make in India campaign in which some designers have been handpicked by him to revive some of the dying arts of India. So I have been fortunate enough to be handpicked by him, and one of the dying arts of India that I am reviving is the art of making ghumrus, which nobody wants to wear anymore. It's from a village called Bhopali. So the entire collection that you are seeing today has, I have innovatively used these embroideries, these ghumrus and embroideries. All the garments that we are going to see today are either going to be having ghumrus or mirrors or beaten gold. And I hope you all will enjoy seeing this show and seeing all of the comments. I'd also like to say thank you to Akansha for her Main Tamanna. I'd like to thank a lot of other young boys for all this cause. This is the wonderful girl who acts in the... That's it. Okay. So a huge round of applause for Tamanna's team. They are the ones who got the whole show together. And now, with the kind permission, we start with the flow of the show. The fashion show with 60 hottest, topmost women right here on stage. Within 1 minute, can we have the lights, the sound, and the music? And the first one to come on stage is Akansha Nivankar herself, director, actor, Tamanna. Music, please. We'll be right back.
We'll be right back.
आई थिंक हम लोग फैशन शोज करते हैं, कमर्शियल शोज करते हैं, यू नो वी डू अ लॉट ऑफ फैशन इवेंट्स एंड यू नो ऑफ लेट अ लॉट ऑफ फैशन इवेंट्स आर हैपनिंग फॉर अ कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आई हैव गॉटन एसोसिएटेड विद दिस वन. ऑल्सो आई थिंक आउट ऑफ ऑल द गॉसेस बी विद बेटी वुड बी माई फेवरेट एंड दैट्स व्हाई आई एम एसोसिएटेड विद इट. सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग. किस तरीके से करके दिखाऊं? क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप किस तरीके से? नहीं, वॉक करके सपोर्ट कर रही हूँ. यू नो एवरीबडी वी आर अबाउट 50 ऑफ अस एंड वी आर ऑल वॉकिंग, वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस जस्ट फॉर अ गुड कॉज, जस्ट फॉर सपोर्टिंग फॉर चैरिटी एंड यू नो या आई थिंक यू नो दैट्स हाउ वी सपोर्टिंग इट. थैंक यू. जैसे मैं पहले भी आ चुकी हूँ ये इवेंट के लिए और दिस टाइम व्हाट आई एम कमिंग हियर क्योंकि अर्चना कोचर जो है वो एक फैशन शो भी डिस्प्ले कर रही है. सो आई एम वॉकिंग फॉर अर्चना एंड अगेन इट्स माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बी विद बेटी एंड एनीथिंग लाइक इफ इवन एक बंदे का भी प्रेजेंस अगर मैटर करता है तो अगर वो बंदा मैं हूँ तो मैं ज़रूर यू नो आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वो चीज़ के बारे में क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट अगर देखा जाए बोलने जाए तो बहुत सारी चीज़ें और अगर दूसरी वे में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल विद इन द माइंड. जो भी है हमें बेसिकली रिस्पेक्ट देना चाहिए वुमेन को, किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं करना चाहिए या फिजिकल हो या मेंटल हो या कुछ भी हो. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नो आर कंट्री शुड अंडरस्टैंड. आई डोंट नो वेदर वुमेन वायलेंस बाहर होता है कि नहीं, मैंने सुना नहीं है कभी, पर जितना सुना है आज तक हमारे देश के बारे में सुना है. तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मर्द है या हु एवर इज़ नॉट यू नो बींग वेरी वायलेंट टूवर्ड्स देयर टूवर्ड्स वुमेन, नॉट देयर और समथिंग बट टूवर्ड्स वुमेन, सो दे नीड टू अ लिटल एजुकेट देम सेल्फ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. Let's talk about Be With Beti. सलमान की दोनों हीरोइनें इस फिल्म में एक साथ नजर आने वाली जी हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं. सच्चाई है इन बातों का, कितना बता दें? सच्चाई है, पूरी तरह से सच है ये न्यूज़. और जी जैसे आपने कहा कि सलमान की दोनों हीरोइंस ये मूवी के अंदर है तो लेट्स सी. आई मीन इट्स गुड फॉर द कंपनी प्लस अगेन गुड फॉर द डायरेक्टर बिकॉज ही इज गेटिंग टू हीरोइंस हुज वर्क विद सलमान खान अर्लियर एंड ही वाज होपिंग टू द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट इंक्लूडिंग मी.